अंडरग्राउंड रोबोट गोरिला और जायंट मॉन्स्टर। सुधीर नाम के आदमी का रामो नाम का एक गोरिला दोस्त था। रामो जंगल में रहता था। सुधीर रोज रामो को मिलने जंगल जाया करता था, लेकिन सुधीर का इस तरह से रामो से मिलना गांव में और उसके घर में पसंद ही नहीं था। एक बार सुधीर जंगल जा रहा था कि तभी गांव का सरपंच उसे रोकते हुए कहता है, अरे सुधीर, ये गोरिला खतरनाक होते हैं। कहीं किसी दिन अगर ये गांव में घुस गया तो गांव को बर्बाद कर देंगे। तुम अपनी दोस्ती के लिए हम गांव वालों को मुसीबत में तो मत डालो। मेरे दोस्त का नाम रामो है और वो किसी को मुसीबत में नहीं डालता, बल्कि मुसीबत में सबकी मदद ही करता है। आप कोई भी बहाना करके मुझे रोको मत उससे मिलने के लिए। ऐसा कहकर सुधीर अपने दोस्त रामो से मिलने जंगल चला जाता है। दरअसल सुधीर जब छोटा था तब वो अपने माता पिता के साथ जंगल गया था लकड़ियां तोड़ने के लिए। तब इसी बीच में सुधीर के माता पिता पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तब वो दोनों मारे जाते हैं, लेकिन रामो सही समय पर आकर छोटे सुधीर को बचा लेता है। उस वक्त रामो मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और उसे जंगल भगा देता है। उस दिन से सुधीर गोरिल्ला के साथ बड़ा हुआ और उन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती ही गई। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। उस दिन रामो की तबीयत ठीक नहीं थी। तब सुधीर कहता है, अरे रामो, आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम ऐसे अजीब हरकत कर रहे हो? सुधीर रामो के पास ही था कि तभी अचानक से जंगल में भयानक आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर सुधीर बहुत डर जाता है। तब सुधीर देखता है कि एक जायंट मॉन्स्टर उनके तरफ आ रहा है। तब रामो खुद की परवाह ना करते हुए उस जायंट मॉन्स्टर के सामने जाता है। जायंट मॉन्स्टर रामो को देखते ही उस पर हमला बोल देता है। रामो भी उससे लड़ने लगता है, पर तबीयत ठीक ना होने के कारण रामो खुद ही घायल होकर खाई में गिर जाता है। तब वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है, आज इस रामो को मारकर मेरा बदला पूरा हो गया। अब गांव की बारी है और सारी जगत में मैं हाहाकार मचा दूंगा। जायंट मॉन्स्टर रामो को मरा समझ लेता है और गांव की तरफ बढ़ता है। सुधीर पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। जायंट मॉन्स्टर के जाने के बाद वो बाहर आता है। वो देखता है कि रामो खाई में गिरा हुआ है। रामो, रामो उठ जाओ। देखो रामो, अगर तुम नहीं उठे तो वो मॉन्स्टर गांव को तबाह कर देगा। उठ जाओ, हे भगवान, मेरी मदद करो रामो को जगाने में। इस तरह से सुधीर बार बार रामो को कई बार आवाज देता है। तभी अचानक से आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरती है। उस वजह से जमीन फट जाती है। जमीन फटते ही वहां से एक सुपर रोबोट बाहर निकलता है। रोबोट बहुत ही ताकतवर था। वो रामो को खाई से बाहर निकालता है। रोबोट उसे अपनी शक्ति से होश में लाता है और उसे और भी पावरफुल बनाता है। तब सुधीर कहता है, थैंक यू रोबोट, थैंक यू वेरी मच। अब चलो रामो, गांव वालों को उस जायंट मॉन्स्टर से बचाना है। रामो को जगाने के बाद वो रोबोट फिर से अंडरग्राउंड में चला जाता है। उधर जायंट मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा रहा था। वो गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मार रहा था। गांव वाले खुद की जान बचाने भाग रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी वो गोरिल्ला वहां आता है और मॉन्स्टर को रोकता है। वो मॉन्स्टर कहता है, अरे तू अभी तक जिंदा है, लेकिन अब नहीं बचेगा। इस तरह से फिर से गोरिल्ला और मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार गोरिल्ला मॉन्स्टर को ही पटक पटक कर मारता है। इस तरह से सारे गांव वालों को रामो बचा लेता है। तब सुधीर सरपंच से कहता है, देखा सरपंच जी, आप कहते थे कि रामो हमें मुसीबत में डाल देगा, पर देखो आज हमें उसी ने बचाया है। उस दिन के बाद सबको रामो के बारे में जो गलत फहमी थी वो दूर हो जाती है और अब जंगल में कोई भी जाने से बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि सारे गांव वाले रामो को अपना दोस्त समझने लगते हैं। जेसीबी रोबोट ट्रेन गॉडजिला रोबोट। सुदूर अंतरिक्ष में कहीं एक ग्रह पर रोबोटिक एलियन सभ्यता के दो गुटों में जबरदस्त लड़ाई चालू थी। वो दोनों एलियन के गुट किसी शक्तिशाली क्यूब को पाने के लिए लड़ रहे थे। दरअसल वो क्यूब जिसे भी मिलेगा वो संपूर्ण अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली बनेगा। उस क्यूब में ताकत ही ऐसी थी, लेकिन लड़ते लड़ते वो क्यूब दुष्ट रोबोट के एक सदस्य चुरा कर उस ग्रह से अंतरिक्ष में भाग जाता है। उसे भागते हुए देख अच्छे रोबोट के गुट में से एक सदस्य उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में भागते हुए कई साल बीत जाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन पृथ्वी के पास वो आ जाते हैं।
दुष्ट रोबोट पृथ्वी को देखकर सोचता है, अरे वाह, यह ग्रह छुपने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं इस क्यूब को इसी ग्रह में छुपा कर रखूंगा और समय रहते इसका इस्तेमाल करूंगा। इस तरह सोचकर वो दुष्ट रोबोट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वातावरण में ही वो दुष्ट रोबोट बेहोश हो जाता है और वो क्यूब उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर धरती पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद उस दुष्ट रोबोट को होश आता है, तब क्यूब के ना पाने से वो बहुत डर जाता है और एक गॉडज़िला रोबोट का रूप लेकर जंगल में चला जाता है। उधर उसके पीछे आता हुआ अच्छा रोबोट उस क्यूब को ढूंढ लेता है और उसे अपने आप में सुरक्षित छुपा कर रख देता है। वो कहता है, इस क्यूब को मुझे किसी भी हालत में उस दुष्ट रोबोट के हाथ नहीं लगने देना है, वरना वो दुष्ट रोबोट इसका गलत इस्तेमाल करके सारे ब्रह्मांड में कहर बरसाएगा। ऐसा कहकर वो अच्छा रोबोट अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढता रहता है कि तभी उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जिस पर ढेर सारे जेसीबी रखकर कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसे देखकर अच्छा रोबोट जल्दी से जेसीबी का रूप लेकर उसी ट्रेन के पीछे जुड़ जाता है। अब वो जेसीबी रोबोट धरती पर सिर्फ चुपचाप नहीं बैठता, लेकिन धरती पर किसी शहर में एक लालची वैज्ञानिक शर्मा रहता था जो उस क्यूब के बारे में जानता था और उसे वो चुराना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि वो क्यूब धरती पर ही है, तब वो सोचता है, अरे वाह, मेरे पापा से मैंने सुना था कि इस तरह का क्यूब बेहद शक्तिशाली है। जिस किसी के पास वो क्यूब रहेगा वो इस पूरे ब्रह्मांड का शक्तिशाली बनेगा और राज करेगा। मुझे किसी भी तरह वो क्यूब हासिल करना है। ये सोचकर शर्मा अपनी लैब में अलग अलग कंप्यूटर की मदद से जेसीबी रोबोट को ढूंढता रहता है कि अचानक एक दिन उसे कंप्यूटर पर गॉडज़िला रोबोट का मैसेज मिलता है। उसे पढ़कर शर्मा उस गॉडज़िला रोबोट से मिलने जाता है। तब गॉडज़िला रोबोट शर्मा से मिलकर कहता है, देखो शर्मा, मुझे पता है कि तुम उस क्यूब को पाना चाहते हो, लेकिन उस क्यूब को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो और आखिर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उस क्यूब के लिए हम हमारे ग्रह से ही लड़ते आ रहे हैं। मैं तुम्हें वो क्यूब दिला दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो रोबोट चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। लेकिन वो कहाँ है अभी और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम उसका पता तुम्हारी लैब में ही लगा सकते है। मैं तुम्हारे लैब को मेरी टेक्नोलॉजी से और भी एडवांस बना दूंगा, फिर तुम भी मुझे ज्यादा पावरफुल बनाना, हम दोनों का काम हो जाएगा। गॉडज़िला रोबोट से डील करके शर्मा उसे अपनी लैब में ले जाता है। लैब को और भी एडवांस करके उसकी मदद गॉडज़िला रोबोट करता है। कुछ ही दिनों में जेसीबी रोबोट का पता उन्हें चल जाता है और डील के मुताबिक शर्मा गॉडज़िला रोबोट को और भी पावरफुल बनाता है। तब वो कहता है, अब मैं और भी ताकतवर बन गया हूँ। सुनो शर्मा, वो रोबोट एक ट्रेन में जेसीबी बनकर छुपा हुआ है। चलो उसे खत्म करके हमारा काम भी खत्म कर लेते हैं। ऐसा कहकर गॉडज़िला रोबोट के ऊपर शर्मा बैठकर उस ट्रेन की खोज पे जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के पास पहुँचते हैं, लेकिन इस खतरे को जेसीबी रोबोट भांप लेता है और तुरंत जेसीबी रोबोट में बदल कर गॉडज़िला रोबोट पर हमला करता है। लेकिन इस बार गॉडज़िला रोबोट और भी ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से जेसीबी रोबोट उसे मार नहीं पाता। दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है, लेकिन गॉडज़िला रोबोट था कि हार ही नहीं मान रहा था। तभी जेसीबी रोबोट अपने अंदर से उस क्यूब को निकालता है और गॉडज़िला रोबोट के छाती के नीचे पकड़ लेता है। देखते ही देखते क्यूब से न्यूक्लियर एनर्जी निकल कर गॉडज़िला रोबोट जलने लगता है और इस तरह से गॉडज़िला रोबोट का खात्मा हो जाता है। उसे खत्म हुआ देख शर्मा भी वहां से भाग जाता है।